सावन का महीना चल रहा और KRT न्यूज़ सानू हर सोमवार जी तीर्थ स्थानों के दर्शन करवा रहा। पहले सोमवार सानू आपां काठगढ़ महादेव के दर्शन कराए थे, दूजे सोमवार सानू आपां मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कराए थे। अज तुहानू लैके आए हलका भोआ के चटबनबड़ी मंदिर के जो कि कटारू चक पिंड पैंदा है। पहले आप चटपट बनी मंदिर के अंदर खड़े हाँ और तुम तस्वीर देख सकते हो कि जो मंदिर प्रांगण हैगा बहुत ही वधिया मंदिर बनाया हुआ है और सावन महीने देखते हुए जी सजावट भी इतने की गई है। सामने जो शिवलिंग स्थापित हैगा, इस पास जो योगी का योगी गद्दी कक्ष हैगा जिथे बह के लोगों को आशीर्वाद और धूने की जी विभूति देंगे ने। तो थोड़ा खास तौर पर आप कुंड दिखाना चाहते हैं। यह कुंड जोड़ा है ये प्राचीन जरा कुंड दसया जा रहा, उन्होंने कहना है कि इस कुंड नहा जे चमड़ी के रोग जोड़े वो ठीक होंगे ना, उस जे लोगों के घर संतान नहीं होंगी उन्होंने इतने संतान प्राप्ति जी होंगी है। तो काफ़ी लोग भी इतने देख सकते इतने आए हुए हैं मत्था टेकने वास्ते और लोगों की काफ़ी जी श्रद्धा इस मंदिर में जुड़ी हुई है। आओ अंदर चलते हैं और योगी जोड़े इतने के है उन्होंने गलबात करते हैं। सब तो पहला स्वागत है तुहाडा जिन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़ के बाबा चटपन आई चरणा च सिकत किया अज और बाबा चटपन आई के चरणों में जो श्रद्धालु भगत आए हैं सारे मैं सावन के तीसरे सोमवार दियाँ शुभकामना दिना बहुत बहुत बधाई दिना। सावन का मास बड़ा पवित्र मास महीना चल रहा है, इसमें जो जल बिल पत्री दूध दही छिपो अर्पण करता है भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और सावन मास में ही भोले बाबा जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, इसका विशेष प्रदान है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच आए हुए भक्तों का श्रद्धालुओं का बहुत ही वेलकम स्वागत है, उन्हों की मनोकामना चटपन नाल पूरा करे। और श्रद्धालुओं के लिए इतने इन्हें वर्त वास्ते लंगर प्रसाद चल रहा है और लंगर का विशेष प्रबंध किया गया है, विशेष पूजा का खास ध्यान रखा जा रहा है और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इस तरह का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा और बहुत ही वधिया दूर दूर से आए श्रद्धालु, लगभग हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से काफ़ी दूर दूर से आके भोले बाबा के दर्शन करते हैं, जल अर्पण जो कर रहे हैं। आज भोले बाबा सारे विश्व के सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व को सुख शांति का उनके कष्ट रुख दूर करें, भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें। यह सिद्ध योगी चटपन नाथ जी का जो इतिहास है सदियों पुराना पुरातन इतिहास है, जो लगभग 1700-1800 साल वर्ष ये इतिहास है। जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं योगी चटपन नाथ जी, ये नाथ संप्रदाय के जी गद्दी चलती आ रही है। तो इसका खास संबंध मणिमहेश यात्रा के नाल भी संबंध है, इस यात्रा जो मणिमहेश यात्रा चटपन बनी का, क्योंकि चटपन नाथ जी ने मणिमहेश यात्रा की खोज की हुई है। आज भी उसका फरमान है राधा अष्टमी दिन छड़ी मार्ग जो आती है चंबे से बाबा धूने से निकलती है और चटपन नाथ जी की छड़ी के साथ ही वो यात्रा मणि में इसकी संपन्न होती है। तो ये चटपन नाथ जी हिमाचल तो प्रदेश तो अपने भ्रमण करते हुए आए, इतने खेतीबाड़ी होंगी मैदान से इतने खेतबाड़ लोग खेतीबाड़ी करते सी, बाबा जी धूना लगा के बैठ जाते हैं, जिन्हें खेत च बाबा जी धूना लगाया वो बाबा जी को कह लगे बाबा जी साडा खेत आगे छोड़ दो आगे पीछे चले जाओ। बाबा जी तपस्या च लीन सी, उन्होंने बाद दुनिया का कोई ध्यान नहीं सी, तो बाबा उपर बार बार बोलने के कारण उन्होंने नहीं सुना। बाबा जी ने योगी के उपर सुहागा चढ़ा दिए, योगी चटपना को उन्होंने बैल समेत सुहागा चढ़ा दिया। बाबा जी ने एक कुटिया के लिए एक जगह लिए प्रार्थना की, मेरे को कुटिया लिए जगह दे दो, बाकी अपनी खेतीबाड़ी करो। तो बाबा जी को चैलेंज कर लगे, बाबा रातों रात जहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको धक्के दे के सवेरे चल निकालेंगे। तो बाबा जी ने अपनी योग माया के नाल रात 12 बजे तो लैके 4 बजे तक कितने बन इकट्ठा कर दिया। काफ़ी हिमाचल से बन आया है, हवा से आया है, योग बल से आया है, जिन्होंने जंगली जानवर भी जंगली पेड़ वृक्ष पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ का भी इतने बड़ा विधान पाया गया। एक रात के बनने जगह दान चटपन बनी नाथ प्रसिद्ध होया।
जो सुहागा चढ़ाता सी बाबा जी को कुछ दिनों बाद जमीन चो जल निकलना शुरू हो गया है। वो आज कुंड बने हुए हैं, 3 कुंड है, जहाँ कुंडों में स्नान करने से बाबा जी का वरदान है, आशीर्वाद है। जिनके खास थोड़ा फिंसी स्किन प्रॉब्लम रहती है, कोई वो कुष्ठ रोग है, वो ठीक होता है स्नान करने से। जिन माता बहनों से औलाद नहीं होती है, हाँ एतवार को जहाँ 5 याद में स्नान करते हैं उनके औलाद होती है। बाबा जी का अखंड धुना उनके हाथ का लगवा आज भी चल रहा है, प्रचंड धुना चलता है। जो धुने की खास बात यह है कि इस धुने में जो लक्कड़ चलती है तभी इसका कोयला नहीं बनता, उसकी राख बनती है। और चरपलाई की ये भूति धुने को दे के भक्तों को उनके दुख कष्ट दूर करती है। बाबा जी का ये जो जंगल है लगभग 30-35 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बाबा जी ने इस जंगल को श्राप दे रखा है और इसकी कोई लक्कड़ घर में लेके जाएगा उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। केवल शमशान भूमि को मुर्दे ऊपर जो लक्कड़ काम आ जाती है, जिसके मुर्दे के लिए माफा ही लक्कड़ पाई जा सकती है। ये चरपलाई का इतिहास सदियों पुराना इतिहास, और जहाँ आए गए मेले का जो आयोजन होता रहता है, महाशिवरात्रि का बड़ा विशाल मेला लगता है, विशाल मेला और 3 दिन मेला दिवसीय रहता है। विसाखी का और जन्माष्टमी जो आने वाली 18 अगस्त की आ रही है, बहुत ही दूर दराज से भक्त जहाँ ठहरने का व्यवस्था की गई है, उनके भजन संगीत सुनने के लिए बड़ा ठहराव किया गया है। और आगे जो अभी 8 अगस्त को चौथा सोमवार जो आ रहा है, इसमें भी विशेष कार्यक्रम काफ़ी अपने भक्त शिव महिमा का गुणगान करेंगे आएंगे, वो भक्तजन काफ़ी देखने को मिलेगा। लगभग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा, विशाल भंडारा चल रहा है। और एक खास व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए, 24 घंटे के लिए यहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है और रहने के लिए सारा खास प्रबंध किया गया है। जय भाव चरपना जी। इस वेले आप खड़े हाँ चटपटी बनी मंदिर के अंदर, जरा जंगल मौजूद है उस जंगल के खड़े हाँ। तुम तस्वीर से देख सकते हो कि घना जंगल है और काफ़ी जड़े इतने पेड़ ने, और ए जंगल की महानता है कि जोड़ा जोगी चटपट नाथ से उन्होंने रातों रात जंगल जोड़ा आते लगया और काफ़ी पेड़ इतने लगे हुए हैं। तो इतने लकड़ की आप जो गल करिए, लकड़ दिखाने इतों के बूटिया की, कि लकड़ है ये सुनने आया कि ये लकड़ जे कोई इतों लैके जाता है वढ़ के, तो वो घर जी परेशानियाँ शुरू हो जाए। पर यह लकड़ सिर्फ और सिर्फ जे किसी की मौत हो जाती है उस संस्कार वेले इस लकड़ की जी वरतों की जा सकती है। ये सानू दसिया योगी जोड़े इतों के है जोड़े पुजारी ने, उन्होंने दसिया कि इस ज इस लकड़ की वरतों सिर्फ घर वाली जगह पर हो सकती है। तो आओ हम सू लैके चलते हैं मंदिर के अंदर, तो इतने श्रद्धालुओं गलबात कराने कि उन्होंने की महानता है इतने आने की, और लोगों के मन की आता जो उसे पहुँचते हैं, कि उन्होंने महसूस होंगे, क्या उन्होंने उसे शांति मिलती है। ਨਾ ਦਲੇਰ ਚੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਨਿਆੜ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਟਪਟ ਮਣੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਨ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ
चटपटी बनी मतलब कि जरा इतने शिवजी का जरा पुराना मतलब कि जरा यह मंदिर है तो नैचुरली मतलब कि सुन में आया कि काफ़ी जरा कुदरती मतलब कि जरा इतने भोलेनाथ प्रगट हो मैं चाहना कि आप हर जो सौन महीना होंगे उदो हर बारी आई जाए तो बड़ा मतलब कि मन शांति मिलती है इतने आके तो मैं चाहना कि इतने जिन्हें भी शिव भगत है वह आन इतने इतने भी आके शांति जरा वो मतलब कि लैन ता कि उन्होंने जरा उनका मन है शांति हो मतलब कि हो तो सारे इतने आना चाहिए तो अज जिदा सोमवार है सोमवार तो ताई भोलेनाथ का वार है तो बड़ी खुशी होंगी इतने आके एक मन शांति जी महसूस होंगी तो बस इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों तुहानू आपां दिखाया हलका भुआ दे कटारचक पिंड दे विच स्थित चटपट बनी मंदिर और इत्थों दे महानता बारे तुहानू दस्सिया इत्थों दे की जिहड़ियां गुफा जिहड़ियां कुंड हैगे आ उहदे बारे तुहानू दस्सिया और इत्थों दे जिहड़े पुजारी उहनां नाल गलबात करवाई और श्रद्धालुआं नाल भी गल करवाई उहनां दा की महानता लै के जिहड़े इत्थे लोक पहुँचदे ने। ते अगले सोमवार तुहानू किसे होर प्राचीन जगह ते लै के चलांगे। तद तक मैनूं दिओ इजाजत। नमस्कार।